हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए मैं एक और नया हॉरर एपिसोड लेके आया हूँ जो देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये हर कंट्री में ब्लॉक्ड है, यहाँ तक कि जापान में भी। इस एपिसोड को बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने अपलोड किया है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर आते हैं और कहते हैं, क्या आपने उस क्रेयॉन लेजेंड के बारे में सुना है? फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे स्कूल के अंदर घुस रहे होते हैं। पर स्कूल के अंदर जाने के वक्त हमें दिखाया जाता है कि मसाओ को रास्ते में एक क्रेयॉन दिखता है। उस क्रेयॉन को देखने के बाद ही मसाओ उस क्रेयॉन को उठा लेता है। मगर जब वो उस क्रेयॉन को उठाता है तब वो देखता है कि वो क्रेयॉन अपने आप अपने रैपर से बाहर आ चुका है और एक बहुत ही भयंकर वाला स्माइल दे रहा है। वो देखते ही मसाओ काफी ज्यादा डर जाता है और जोर से चीख उठता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योशिनागा मैम सारे बच्चों को ड्राइंग करने के लिए कह रही होती है। कजामा को समझ नहीं आता कि वो क्या ड्रॉ करे, इसलिए वो शिनचैन से पूछता है कि वो क्या ड्रॉ करने वाला है। पर शिनचैन कहता है कि वो कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा, वो सिर्फ बैठा रहेगा। फिर कजामा बो से पूछता है कि वो क्या ड्रॉ करने वाला है। बो से बताता है कि वो एक स्टोन ड्रॉ कर रहा है। फिर वो नैनी से पूछता है कि नैनी ने क्या ड्रॉ किया है, और नैनी बताती है कि उसने एक बनी और एक सुंदर सा घर ड्रॉ किया है। फिर कजामा मसाओ के पास जाता है, पर कजामा देखता है कि मसाओ काफ़ी अजीब तरीके से पेश आ रहा था, इसलिए कजामा को थोड़ा अजीब लगता है। कजामा थोड़ा डर जाता है, इसलिए कजामा मसाओ को धक्का देता है, और धक्का देने से मसाओ के हाथ पे जो क्रेयॉन रहता है वो उसके हाथ से गिर जाता है। क्रेयॉन का मसाओ के हाथ से गिरते ही मसाओ फिर से नॉर्मल हो जाता है। पर जब सारे बच्चे मसाओ की ड्रॉइंग देखते हैं तब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और मसाओ से पूछते हैं कि ये उसने क्या ड्रॉ किया है। वो कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसने ये क्या ड्रॉ किया है, और उसे ये भी याद नहीं कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ। फिर हमें दिखाते हैं कि योशिनागा मैम सारे स्टूडेंट्स के साथ बाहर आ जाती है एक्सरसाइज करने के लिए, मगर अचानक कहीं से बहुत सारे कौवे आके उसके स्कूल के बैकयार्ड में बैठ जाते हैं। वो सारे कौवे बच्चों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, इसलिए सारे बच्चे डर जाते हैं और क्लासरूम के अंदर घुस जाते हैं। यह सब देख के प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और एक छतरी से उन कौवे को भगाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पे बहुत सारे कौवे होते हैं, इसलिए प्रिंसिपल सर उन्हें भगाने में नाकामयाब हो जाते हैं और वो सारे कौवे प्रिंसिपल सर पे भी अटैक करने लग जाते हैं। क्लासरूम के खिड़की से मसाओ ये सब कुछ देख रहा था। मसाओ को याद आता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे उसने ड्रॉइंग किया था। मसाओ ये सोच के काफी ज्यादा डर जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद नैनी मसाओ से मिलने चली आती है, पर वो फिर से देखती है कि मसाओ के हाथ में वो क्रेयॉन है और मसाओ फिर से बहुत ही अजीब तरीके से कुछ ड्राइंग कर रहा है। जब नैनी मसाओ को धक्का देती है तो फिर से मसाओ के हाथ से वो क्रेयॉन गिर जाता है। दोबारा मसाओ नॉर्मल हो जाता है और सबसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। जब बाकी बच्चे मसाओ की ड्राइंग देखते हैं तब वो देखते हैं कि मसाओ ने एक पैर ड्रॉ किया है जिसके अंदर एक कील घुस गई, और उसके थोड़ी देर बाद ही योशिनागा मैम के जूते के अंदर एक कील घुस जाती है, और योशिनागा मैम कहती है कि इस कील को यहाँ पे किसने रख दिया। कजामा, नैनी और मसाओ ये सब देख लेते हैं और काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मसाओ काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ पे जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर बो उन्हें बताता है शायद वो वही डेविल क्रेयॉन है, और सारे बच्चे बो से पूछते हैं कि आखिर ये डेविल क्रेयॉन है क्या। बो उन्हें बताता है कि वो एक ऐसा क्रेयॉन है जिससे जो कुछ भी ड्रॉ किया जाए वो सब सच हो जाता है। भी अचानक वो क्रेयॉन जंप लगाकर मसाओ के हाथ में आ जाती है। उस क्रेयॉन का मसाओ के हाथ में आते ही मसाओ फिर से अजीब तरीके से पेश आने लगता है। चैन मसाओ को जोर से धक्का दे देता है ताकि वो क्रेयॉन उसके हाथ से गिर जाए, और उसके मुताबिक वो क्रेयॉन उसके हाथ से गिर भी जाता है। फिर शिनचैन क्लासरूम में आके मसाओ की ड्राइंग बुक को चेक करता है, तब वो देखता है कि मसाओ ने एक और ड्राइंग बनाई है जिसमें नैनी के सिर से एकदम पूरा खून निकल रहा है। जब शिनचैन ये बात नैनी को बताता है तब नैनी काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद नैनी मसाओ को मारने लग जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर बो, कजामा, मसाओ और शिनचैन नैनी को कहते हैं तुम ज्यादा डरो मत, हम तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करेंगे। और तभी अचानक एक बॉल मानो जैसे नैनी के सिर पे टारगेट लेके ही आई, बट थोड़े से डिस्टेंस के लिए वो बॉल मिस हो जाती है, और तभी अचानक एक लैडर नैनी के सिर के ऊपर गिरने वाला था, पर शिनचैन तेजी से आके नैनी को वहां से धक्का दे देता है जिसके कारण वो लैडर मिस हो जाता है, और उस दौरान शिनचैन गलती से उस क्रेयॉन के ऊपर बैठ जाता है जिसके कारण वो क्रेयॉन दो हिस्से में टूट जाता है।
थोड़ी देर में वहाँ पे योशिनागा मैम आ जाती है, जो उस लैडर को पकड़ लेती है और वो सारे बच्चे थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। के बाद कजामा को वो टूटा हुआ क्रेयॉन दिखता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ इस क्रेयॉन की वजह से ही हो रहा था। इसलिए कजामा अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ गार्डन के पीछे उस क्रेयॉन को जमीन में दबा देता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एजीओ मैम गार्डनिंग कर रही होती है। उस दौरान मैम को जमीन के अंदर वही टूटा हुआ क्रेयॉन फिर से दिखता है। एजीओ मैम उस क्रेयॉन को लेके अपने क्रेयॉन के डब्बे में रख देती है और स्कूल से चली जाती है। पर हमें तब फिर से उस क्रेयॉन का वही भयंकर वाला डरावना फेस दिखाया जाता है। प्रिंसिपल सर आते हैं और कहते हैं, अगर आपको वो क्रेयॉन कहीं पे दिखे तो उसे मत पकड़ना। यही पे हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।